तो लास्ट टाइम सीरीज एंड पैरेलल किया, सीरीज के अंदर सबसे पहली चीज ये कि अगर आपके कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये C1, ये C2 और ये C3, तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी सब पे? सेम, चार्ज सेम रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का अगर V है तो इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? पैरेलल के अंदर ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है और ये थर्ड कैपेसिटर है, C1, C2 एंड C3, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V की वैल्यू सब में क्या रहेगी? सेम। और पैरेलल कैपेसिटेंस में C1 प्लस C2 प्लस C3, और चार्ज की वैल्यू विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आज नेक्स्ट जो हमने इसमें करना है, इस कॉम्बिनेशन के बाद, पैरल के बाद, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं सीरीज और पैरल के। तो सीरीज और पैरल के न्यूमेरिकल में यहाँ से शुरू करेंगे, शीट नंबर 37 से। देखो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटी 25 माइक्रो फैरेड है, और ये कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? ये आपके सामने सर्किट कनेक्टेड है। इसके अंदर व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू मीटर एम? आपको ये बताना है कितना चार्ज मीटर एम में से पास करेगा। तो रूल नंबर वन, ये तीन कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है बताओ? ये तीन कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। आप कैसे पहचानते हैं ये पैरेलल है? अब सच बताना, आपको लग रहा है ये पैरेलल? बोलो, कनेक्टेड है। ये तो लॉजिक है, बहुत लोग ये फैसला ऐसा करते हैं, ऐसा लग रहा है, हमें पता लग रहा है ये पैरेलल है। ठीक, देखो लगने से कुछ नहीं होता। हाँ, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप देख पाते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर ये पैरेलल में है तो कैसे चेक करते हैं? मान लो ये एक जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन है, इस जंक्शन का पोटेंशियल मान लो V1 है, इस जंक्शन का पोटेंशियल मान लो V2 है, तो ये वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो ये जंक्शन भी V1 पे है और ये फर्दर इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये V1 है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, क्योंकि जहां जहां ये वायर जाएगी इक्वी पोटेंशियल है, तो अदर एंड भी V1 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 पे होगा। उसी तरीके से अगर ये V2 है तो ये प्लेट भी V2 है, यहां से ये जंक्शन भी V2 है, ये भी V2 है, फिर ऐसे ये भी V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 है, तो ये पैरेलल में है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सब में सेम है। हाँ वैसे ठीक है, आप पहचान पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि कैसे पैरेलल में है। तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें अगर ये पैरेलल में है, C C C पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? C प्लस C कितना? 3C। तो टोटल कैपेसिटी 3C है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4200 है, कितना? 4200 वोल्ट है। तो इसमें टोटल चार्ज उस कैपेसिटर पे कितना जाएगा? 3C को, 3C, C का मतलब 25 माइक्रो फैरेड है, तो 3C का मतलब 75 माइक्रो फैरेड है। तो कैपेसिटेंस पता है, V पता है, Q इज इक्वल टू जो जो कैपेसिटी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इनटू V, मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आ गया। ये टोटल चार्ज इस कैपेसिटेंस का आ गया, ठीक। पर उसने क्या कहा था? उसने ये नहीं पूछा कि इंडिविजुअल चार्ज निकाल लो क्या होगा, उसने तो ना पूछा हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालो, उसने पूछा इस मीटर में से कितना चार्ज आएगा। ये मीटर टोटल चार्ज मेजर करेगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो भी होगा वो आगे जाके क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहां की अगर बात करें तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहां पर क्या होगी? यहां पे मतलब इंडिविजुअल चार्ज नहीं होगा, यहां पर टोटल चार्ज होगा, और टोटल चार्ज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा, और यही मेरा आंसर है। फिर आप पूछेंगे सर इंडिविजुअल चार्ज क्या होगा, वो आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा इंडिविजुअल चार्जेस कैसे निकलते हैं, पर यहां तक क्लियर है। और अगर आ भी जाए इंडिविजुअल चार्ज, चलो निकालने को आ जाता है, तो बहुत आसान है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, तो V की वैल्यू जो बैटरी की होगी वही इन सब की होगी, 4200 4200 4200। अब इस पे चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV, इसके ऊपर क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV, इसके ऊपर भी Q इज इक्वल टू CV। तो चार्ज की वैल्यू इसमें हम ऐसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल चार्ज निकालना उल्टा ज्यादा आसान है,
टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी और फिर वी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक ये स्टेप क्या स्टेप है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये बताना है कि एक बैटरी ने, ये बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी है, इन दो कैपेसिटर्स को टोटल चार्ज कितना दिया। अब रूल नंबर वन ये है कि ये दो कैपेसिटर्स सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर कोई कहे कि ये सीरीज में है तो नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, जंक्शन आ रहा है। ये जंक्शन में से अगर ये चार्ज आया तो कुछ चार्ज नीचे से कुछ ऊपर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक वायर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें कैपेसिटर लगे होने चाहिए, तभी वो सीरीज में है, नहीं तो सीरीज में नहीं अगर वहाँ पे जंक्शन आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि बीच में जंक्शन आ रहा है, जंक्शन समझते हो, ये कोना है, ये जंक्शन नहीं है। आपको सर जंक्शन कैसे पता लगते हैं? देखो ये जंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि वायर मुड़ रही है, ये जंक्शन थोड़ी ना है। जंक्शन होता है कि अगर एक वायर आ रही है, ये वायर यहाँ जा रही है और इसमें से एक वायर यहीं से ज्वाइंट में से यहाँ निकल आई, ताकि चार्ज यहाँ पर क्या हो जाए, डिवाइड हो कहीं, तो वो जंक्शन है। तो अगर ये बीच में जंक्शन आ जाता है इनके बीच में, तो ये सीरीज में नहीं हो सकते। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि चल ठीक है जी, सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में तो पक्का ही होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सीरीज में नहीं है तो हमेशा पैरेलल में होंगे ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है अगर सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है, हो सकता है। तो उसको क्या करना है वो अलग लेवल है। फिलहाल के लिए अगर आपको चेक करना है और पता नहीं लग रहा ये सीरीज पैरेलल है, तो ऐसा करें, मान लीजिए जंक्शन V2 पे है, कुछ भी यहाँ का V2 पोटेंशियल है। अगर ये V2 है तो ये प्लेट भी V2 पे है, अगर ये V2 है तो ये प्लेट भी V2 पे है, और अगर ये V2 है तो ये टर्मिनल भी V2 पे है। या उल्टा ऐसा भी बोल लो कि अगर मान लो ये बैटरी है, बैटरी का V1 पोटेंशियल है, बैटरी का V2 पोटेंशियल है, तो अगर ये V2 पोटेंशियल है तो जहाँ जहाँ ये जाएगी, ये V2, ये V2, ये V2, और मान लो ये वाला टर्मिनल V1 पे है, तो अगर ये V1 तो ये टर्मिनल भी V1 पे है, फर्दर ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी V1 पे है, फर्दर ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी V1 पे है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि V1 V2, देखो ये V1 V2 आपको किसी को करके दिखाना नहीं है, ये तो मैं एज अ टीचर आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप मेरे से ये क्वेश्चन ना करें कि सर आपको कैसे पता लगता है ये सीरीज है ये पैरेलल है। मैं ऐसे वेरीफाई करता हूँ कि अगर ये V2 तो V2 V2, अगर ये V1 तो ये V1 V1, तो आप चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है, इसके अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो कैसे चेक किया जा सकता है? हाँ, ये अलग बात है कि बहुत प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को ओरली पता लग जाता है ये पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस के बाद अपने आप दिखने, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती V1 V2 का कॉन्सेप्ट, ये तो सिर्फ मैं बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो सच में ये पैरेलल में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया, मुझे ये पता लग गया ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने एक दूसरे के नीचे लगा लिया और बैटरी को नीचे लगा दिया 10 वोल्ट की, एक ही बात है, मतलब ऐसे ये पैरेलल में 10 वोल्ट के साथ है, ऐसे पैरेलल 10 वोल्ट में के एक ही बात है। तो इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, 5 और 6 किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो 5 और 6 ऐड करके क्या आ गया, 16, C1 प्लस C2 16 माइक्रोफेरेड है। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 11 माइक्रोफेरेड की, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और V की वैल्यू कितनी है 10, तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गया। और क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा था कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया टोटल, इंडिविजुअल चार्ज नहीं पूछा, उसने टोटल चार्ज पूछा, तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, इतना चार्ज दिया, बात खत्म। अगर मान लो वो इंडिविजुअल चार्ज पूछ लेता तो उल्टा क्वेश्चन और भी आसान हो जाता, वो क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ज में अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, तो इसका चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, इसका चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV, आंसर आ गया। तो इंडिविजुअल चार्ज पैरेलल में सबसे आसान है निकालना, जो V की वैल्यू बैटरी की है वही V की वैल्यू आप कैपेसिटर को भी दे दें, और Q इज इक्वल टू CV का कॉन्सेप्ट लगा के इसने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। टोटल चार्ज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर्स हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है, आपको ये बताना है कि हर कैपेसिटर पे कुल मिला के कितना चार्ज है ये बताओ। ठीक, तो कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बतानी है C1 C2 और C3।
ठीक। देखो क्या करना है इसमें, इसके अंदर तीन कैपेसिटर्स हैं। अब लोग ना इसमें अब हिट एंड ट्रायल मारेंगे, और मारते मारते उनको पता लगेगा नहीं कि सही लगा कि गलत लगा। तुक्का मार दिया, लग रहा है मुझे यार मैं तो ऐसे पेपर में कराया, ये दोनों पैरल में थे, मैंने कहा चल पैरल में लगा, डन कर, आंसर आ गया, गलत हो गया। कोई कहता है यार मेरे को लगा ये पैरल में है, कोई कहता है मेरे को लगा ये सीरीज में है, और कोई कहता है यार मैं कर नहीं पाया, मैंने छोड़ दिया। अब कैसे पता करोगे यार तुमने? देखो वहां तो कोई बताएगा नहीं सीरीज पैरल है, कैसे पता लगे? तो प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। तो देखो चेक करने का तरीका जो मैंने यूज किया, रूल नंबर वन, आप जहां बैटरी लगी हुई है ना उनके साथ इमीडिएट लगे हुए कैपेसिटर्स को तो छेड़ो ही मत, बैटरी की तरफ से मत शुरू करना कभी भी। आप पीछे से शुरू करो, जहां बैटरी नहीं लगी हुई यहां से शुरू करो। नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको नहीं छेड़ना चाहिए बैटरी वाली लाइन को, अब यहां छेड़े। तो मैंने अपने मन में ऐसे सोचा कि चलो ये जंक्शन V1 में मान लेते हैं, और अगर ये V1 है तो ये भी इमीडिएट V1 है, तो ये भी V1 है। फिर मैंने कहा चलो ये V2 मान लेते हैं, अगर ये V2 है तो ये भी V2 है, ये भी V2 है। तब मैंने देखा पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो मैंने वेरीफाई करके बताया ये पैरेलल है। अब कोई कहता है सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो स्टोरी इनके साथ है वही स्टोरी इनके साथ है, तो आप ये भी तो कह सकते थे पैरेलल है। देखो ना सिमिट्री देखो, इधर ना किया इधर कर लिया, फर्क क्या पड़ गया? फर्क पड़ा। ये देखो मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं ये पैरेलल नहीं है, ये V1 V2 रहने तो कोई बात नहीं। इमेजिन करो ये टर्मिनल V3 पे है और ये टर्मिनल V4 पे, अगर ये V3 है तो ये V3 है, ये V1 है तो ये V1 है, इधर से नेगेटिव वाला V4 है, नहीं V4 नहीं हो सकता, V2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इमीडिएट इसके साथ कनेक्टेड है। चलो ये V2 ले लो कोई बात नहीं। तो अब देखो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V3 माइनस V1, और इसके ऊपर V1 माइनस V2। अब ये पैरेलल में नहीं है, ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि बीच में बैटरी का टर्मिनल आ गया था, उसने एक नई पोटेंशियल यहां क्रिएट कर दिया। इस वजह से बैटरी की तरफ से शुरू नहीं करना चाहिए, पीछे से शुरू करो, जहां बैटरी नहीं वहां पर जल्दी आंसर आएंगे। चलो इन एनी केस मैं आंसर दे रहा था कि ये दोनों क्यों नहीं लिए, ये दोनों क्यों लिए, तो ये स्टेप समझ में आया कि ये पैरेलल में क्यों है। तो फिर मैंने एक इजी डायग्राम बना लिया, मैंने बैटरी 6 वोल्ट की नीचे लगा ली, मैंने कहा कि 10 को तो हमने छेड़ा ही नहीं तो 10 का 10 लगा लिया, फिर मैंने कहा कि ये दोनों पैरेलल में 5 और 5 तो 5 और 5 पैरेलल में लगा दिया। तो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, आप चेक कर लो, 5 और 5 पैरेलल, 5 और 5 पैरेलल, 10 को नहीं टच किया, 10 को नहीं टच किया, बैटरी 6 वोल्ट की, बैटरी 6 वोल्ट की, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो 5 और 5 मिला के क्या आएगा? 10। फिर ये दो किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो 10 और 10 सीरीज में, आंसर क्या होगा? सीरीज में फॉर्मूला लगता क्या है? 1 बाय सीरीज में 1 बाय C1 1 बाय C2। तो सीरीज का फॉर्मूला है C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यानी कि 10 × 10 बाय 10 प्लस 10, राइट? तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि 10 और 10 सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा, राइट? क्लियर है? तो मैंने ध्यान से देखो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन किया, पहले इसका डायग्राम ये बनाया, फिर इसका डायग्राम मैंने ये बनाया, फिर इसका डायग्राम मैंने ये बनाया। अब मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है जो बैटरी ने इसको दिया। आपको इसकी कैपेसिटी पता थी 5 माइक्रोफेरेड, आपको इसका पोटेंशियल पता है 6 वोल्ट है, तो Q इज इक्वल टू सी इन टू वी का फॉर्मूला लगा, कैपेसिटेंस पता है 5 माइक्रोफेरेड है, 6 से मल्टीप्लाई करके 30 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? टोटल चार्ज की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ गई, कुछ भी नहीं किया, सी पता है वी पता है, मल्टीप्लाई करके 30। अब मेरे को तो क्वेश्चन में ये गिवन है इनके ऊपर अलग अलग चार्ज बताओ, टोटल चार्ज मत बताओ, टोटल चार्ज तो मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैंने ये कहा कि देखो ये जो कैपेसिटर है ये किससे बना हुआ है, बैक ट्रैक कर रहा हूं, डायग्राम से वापस जा रहा हूं, ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है? इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? चार्ज। तो यानी कि ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर जो चार्ज होगा और जो इनके ऊपर चार्ज होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, इसलिए मैंने यहां पर पहले 30 माइक्रोकूलम चार्ज निकाला,
फिर वो चार्ज 30 और 30 इनको भी दे दिया, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज तो सेम रहेगा। तो ये चार्ज 30 आ गया, 30 आ गया। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है? इन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वी सेम रहता है, पैरेलल में वी सेम रहता है। तो पूछो तेरा वी कितना है, इसे पूछो तो क्या आंसर देगा? वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इसके ऊपर चार्ज कितने 30 माइक्रोकूलम का और कैपेसिटेंस 10 की, तो डिवाइड करके आंसर क्या आ गया? 3 वोल्ट। तो इसके ऊपर वोल्ट कितने हैं? 3 वोल्ट है। अब ये क्योंकि इनका बना हुआ है पैरल में, तो वी की वैल्यू सेम रहेगी, तो अगर इसके ऊपर 3 वोल्ट है तो इनके ऊपर भी 3-3 वोल्ट ही होगा। तो पता लग गया 3-3 वोल्ट में। अब अगर इसका चार्ज निकालना है तो क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसका निकालना है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसका निकालना है, ऑलरेडी निकला पड़ा है आंसर, तीनों कैपेसिटर का चार्ज आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे डायग्राम से डायग्राम से डायग्राम से डायग्राम, फिर अगर वापस जाना है तो अगर सीरीज में है तो चार्ज सेम कर दो, अगर पैरल में है तो वी सेम कर दो, वहाँ से आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सीरीज और पैरल के क्वेश्चन को किया जाता है। शुरू में लोग बहुत पजल होते हैं कि यार ये V1 V2 का चक्कर क्या है, कौन बनाएगा ये V1 V2। मेरे को नहीं लगता आपको V1 V2 बनाने की नौबत भी आएगी, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप दूर से पहचान पाएंगे ये सीरीज है और ये पैरल है। मतलब अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 बहुत होते हैं सीरीज पैरल के क्वेश्चन, 100 से भी कहीं ऊपर ना टप जाएं। 100 क्वेश्चन करने के बाद यार तुम इन क्वेश्चन को कहाँ पूछोगे, तुमको गया तो रटे पड़े हैं कि ये तो पैरल में है, बात ही खत्म हो गया, तो 10 बार कर रखा है। तो आपको V1 V2 बनाने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको इसलिए बना के देता हूँ क्योंकि मेरे को जस्टिफाई करना है कि देखो मैंने वाकई पैरल में बनाया। अगर मैं ऐसे शुरू कर दूंगा पढ़ाना कि देखो ये लग रहा है ना पैर, देखो ये दोनों पैरल में, तो यार बच्चा पूछेगा यार इसको दिखता है, मेरे को दिखता ही नहीं पैरल में, इसको दिखता है ये पैरल में, इसको ये नहीं दिखता पैरल में, मेरे को तो ये भी दिखता है, मैं क्या आंसर दूँ आपको? अब आपको ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता ना कि देखो ये लग रहा है पैरल में, तो लगना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता लगना, तो अनलेस बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन ना हो। तो मैं अपनी जस्टिफिकेशन साथ साथ देता हूँ कि देखो इसलिए मैंने पैरल किया। आप तो चाहे इसको याद भी कर लो या देखते ही पता लग जाए, आपको थोड़ा कोई पूछ रहा है कोई भी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, ए और बी के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब ए ये रहा, बी ये रहा, देखो जो सबसे आसान लाइन दिख रही है आप सबसे पहले वो पकड़ लो। मेरे को सबसे आसान तो ये दिख रहा है, ये एक वायर, ये मोड है, ये ज्वाइंट नहीं है, तार मुड़ रही है, मुड़ने दो। ये एक वायर है, फिर ये एक वायर है, और ये एक एक वायर में कुल मिला के 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। एक वायर में कुल मिला के 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। आपको कहे सर ये भी तो मिला लो, कैसे मिला लें? बीच में क्या आ गया? जंक्शन, चार डिवाइड हो जाएगा इसमें, छोड़ दें, ये तो श्योर शॉट है। 60 60 60 कनेक्टेड किस में? सीरीज में। तो 1/60 1/60 1/60 1/60 सॉल्व करके आएगा 20। तो इन तीन की जगह मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा, कितना? 20 लग गया। ये दो किस में कनेक्टेड है? देखो ये तो लग रहे हैं पैरेलल में, पर फिर भी अगर आपको सर ऐसे कैसे लग रहे हैं, तो लो जंक्शन ले लो, मन में सोचो V1 तो ये V1, ये भी V1, मन में सोचो जंक्शन V2 तो ये V2 तो ये भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिख रहा है तो पैरेलल में है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये पैरेलल में है, 10 और 10 की जगह क्या आएगा? 20, इसको तो छेड़ा ही नहीं, 40 का 40। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? कैसे चेक करते हो? लग तो रही है, पर फिर भी चलो, ये V1 है तो ये V1 है, इधर से ये V1 है, ये जंक्शन V2 है तो V2 है, ये V2 है, तो मतलब एक ही वायर से 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है 2 पॉइंट से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोई चक्कर नहीं। तो ये 20 और 20 पैरेलल में, नेट आंसर क्या होगा? 20 + 20 40, इसको तो छेड़ा ही नहीं 40 को। अब आखिरी में 2 कैपेसिटर रह गए एक वायर में, तो ये दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो C1 × C2 / C1 + C2 आंसर। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या लगेगा इसमें? सबसे आसान पार्ट पहले निकालना है, उसकी जगह एक कैपेसिटर लगा देना है ना, उन तीन की जगह एक लगाया, इन दो की जगह एक लगाया, फिर दोनों पैरेलल किए, एक और लगा, दोनों सीरीज किए, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? ठीक, देखो एक एक बार तो यार मैं ही करके दिखाऊंगा ना, एकदम कैसे एक्सपर्ट हो जाओगे? तो आज का लेक्चर तो मैं ही करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क में आप करके आना, फिर प्रैक्टिस होगी, तो मिलते जुलते क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, पहले आप सीख लो फिर अपनी शीट में लगाना।
तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी वगैरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैपेसिटर ही कैपेसिटर भरे पड़े हैं और इस कैपेसिटर में पहला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, बाकी सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू गिवन है, 1, 8, 2, 2, 6, 12, 4 सभी कैपेसिटर्स गिवन है, सिर्फ एक कैपेसिटर गिवन है सी। आपको ए और बी की इक्वलेंट कैपेसिटेंस गिवन है 1, आपको इक्वलेंट कैपेसिटेंस गिवन है 1 ए और बी की, कह रहा है इक्वलेंट कैपेसिटेंस 1 है, आप बस मुझे सी निकाल दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इनकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ सी और आंसर को क्या पुट कर दूंगा, इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस शुरू करें, देखो सबसे पहले ये तो मुझे पक्का दिख ही रहे हैं दोनों के दोनों, किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ये तो दिख रहे हैं, 2 और 2 पैरेलल में क्या आएगा 4, 8 को मैंने छेड़ा नहीं। इधर देखते हैं ये 6 और 12 किस में कनेक्टेड है, सीरीज, एक ही वायर मुड़ रही है इधर, और इस वायर में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 6 और 12 के, तो 6 और 12 को जब आप कनेक्ट करोगे 6 और 12 को, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4, करके देख लो, 6 × 12 / 6 + 12 आंसर क्या आएगा 4। तो देखो इसके सी को सी रखा, 8 को 8 रखा, इन 2 और 2 को 4 रखा, 6 और 12 को सीरीज में लगा के 4 रख दिया। अब अगला डायग्राम क्या बनेगा, ये दोनों साफ पता लग रहा है किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, 4 और 4 पैरेलल में, तो 8 लगा दिया, इसको मैंने छेड़ा नहीं 1 को, ये दो एक वायर का पार्ट है किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 8 और 4 सीरीज में, 1/8, 1/4 रेसिप्रोकल लेके कितना 8/3, तो इसकी दोनों की जगह 8/3, कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट है, ये दोनों एक ही वायर के कैपेसिटर्स हैं, तो 8 और 1 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 1/C, 1/1 + 1/8, सी की वैल्यू 8/9, तो इस दोनों की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया कितना 8/9। अब ये 8/9 और 8/3 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो दोनों को ऐड करेंगे, 8/3 और 8/9 ऐड करके 32/9, तो इन दो की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया 32/9, और इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं। अब सी और 32/9 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, 1/C + 1/32/9, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1, सॉल्व करके सी आ जाएगा आंसर। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। तो पहले आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तो ये डायग्राम बनेगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, तो ये डायग्राम बनेगा, ये दोनों सीरीज में, तो ये डायग्राम बनेगा, ये दोनों पैरेलल में, तो ये डायग्राम बनेगा, ये दोनों सीरीज में और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1, तो सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा अनसॉल्व के लिए, आप खुद ट्राई करना घर पे। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आज मैं एक एक टाइप के न्यूमेरिकल करा के भेजूंगा आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स की क्या क्या वैरायटी हो सकती है, जब तक मैं एक एक करके कराऊंगा नहीं आप कर नहीं पाएंगे। तो आप अगर ये कहें कि सर शीट नहीं दे रहे, हम दे भी दूंगा आपसे कुछ ना होना, मैं बता रहा हूँ आपको, आता ही नहीं कैपेसिटर का ब्रेक तोड़ना, तोड़ ही नहीं पता जब आपको, तो क्या करोगे उसको तोड़ के। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आप एक एक जब तक वैरायटी सुनोगे ही नहीं आप कैपेसिटर कर ही नहीं पाओगे। तो समझ में आ रहा है इसमें क्या टेक्निक लगेगी, ये देख लो, ये मैंने भी नहीं किया, अब आपको पता लगेगा मैंने क्यों नहीं किया, रुको पढ़ लें जरा क्वेश्चन, देखें क्या है। गर्मी इतनी है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता।
देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, सॉल्व करना तो यार बहुत लंबा तरीका है, मैं मेथड ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, मेथड बता देता हूँ। ए पी और क्यू की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो प्लीज पी और क्यू से कभी भी स्टार्ट मत करना, एंड से स्टार्ट करना। सबसे आसान ये दिख रही है मुझे लाइन, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। जो भी आंसर आएगा उसकी का ए कैपेसिटर लगा देना, सी और सी सी बाई टू आएगा। फिर वो इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज, है ना, इन तीन की जगह एक लगा दो ना, सीरीज। फिर जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, आंसर आएगा। कौन करेगा सॉल्व ये, फिर से देख लो, ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज। आराम से घर पे आराम से करते रहना, ठीक है। मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा है यार, कोशिश मैंने की थी, मैंने छोड़ ही दिया। फिर आप कर सकते हो, आप कर लेना, इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे, पर ये हर क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन है। बस आप ये देख लो यार, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, देख पा रहे हो तो बताओ कैसे, क्या लग रहा है आपको देखते हुए। कितने लोग कहते हैं ये दो सीरीज सी एंड सी पैरेलल में लग रहे हैं, लग रहा है, लगने का पूछा है, आंसर नहीं पूछा, लग ये रहा है। अच्छा कितने लोग कहते हैं ये दोनों पैरेलल में है, ये भी लग रहा है। कितने लोग ये पैरेलल में है, ये भी लग रहा है। लगने का तो लॉजिक ही नहीं है यार, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो यही है, लगना तो बहुत कुछ लगता तो यही है, मेरे पेपर भी ठीक है। तो बेसिकली ये ना पता नहीं, देखो सीरीज में तो कोई है नहीं, बट ढूंढना ये है कि पैरल में कौन है, ये दोनों पैरल में है, या 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 ये दोनों पैरल में है। मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है, मैं तो एक ही टेक्निक से चेक करता हूँ। ये देखो, मैंने अपने मन में मान लिया कि ये जंक्शन V1 पे है, क्योंकि ये वायर डायरेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी V1 है डायरेक्ट, ये कनेक्टेड है जंक्शन के साथ, बीच में कुछ आया तो है नहीं, तो ये भी V1 है, क्योंकि वायर में कुछ लगा ही नहीं होता, तो इक्वी पोटेंशियल, ये V1 है, कंडक्टिंग वायर है, ये जंक्शन V1 है, तो प्लेट V1 कर देगी, ये V1 कर देगी। फिर ऐसे ही मैंने जंक्शन, क्योंकि अलग जंक्शन अलग पोटेंशियल पे होते हैं, तो ये V3 पोटेंशियल ले लिया, V3 हो गया, V3 हो गया, V3 हो गया। फिर जंक्शन V2 ले लिया, V2 हो गया, V2 हो गया, V2 हो गया। फिर V4 ले लिया, V4 हो गया, V4 हो गया, V4 हो गया, V4 हो गया। तो अपने मन से जंक्शन पे पोटेंशियल लेके मैंने पॉइंट्स मार्क करने शुरू कर दिए। जब मैंने मार्किंग की तो मैंने ध्यान से देखा V1 माइनस V3, तो ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। V2 माइनस V4 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। लेकिन ये V1 माइनस V2 ये पैरल में नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत थोड़ी ना है, आप तो ना करोगे ये, आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ना बाय एक्सपीरियंस याद ही हो जाएगा कि जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो ये दोनों पैरल में थे, ये दोनों पैरल में थे, सीधा आंसर मार्क कर देना। ये प्रैक्टिस हो रही है ताकि जब मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो क्या टेक्निक अप्लाई करने, हाँ अगर फंस जाए, नहीं पता लग रहा, फिर आपको करके देखना पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे मैंने वेरीफाई कर लिया। तो मैंने इसका एक डायग्राम रीड्रॉ कर लिया, कैसे मैंने ऐसे रीड्रॉ कर लिया कि ये दोनों पैरल में है, तो मैंने ऐसे बना लिया, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, ये दोनों पैरल में है, मैंने ऐसे बना लिया,
तो ये दो कोने पैरल में, ये दो कोने पैरल में, और ये सी और सी एज इट इज कर दिया। अब क्वेश्चन करना देखो कितना इजी हो गया, ये दोनों पैरल में सी एंड सी तो इसकी जगह 2C, ये दोनों पैरल में सी और सी इसकी जगह 2C, 2C और सी किसमें, इन सीरीज में, सीरीज में तो इसकी जगह 2C/3, क्योंकि 2C × C/2C + C 2C/3 देता है। ऐसे सी और 2C किसमें, इन सीरीज में, तो आंसर 2C/3। अब 2C/3 2C/3 किसमें, पैरल में, ऐड करके आंसर 4C/3 है। तो आइडिया समझ में आ रहा है, मतलब आज के बाद मिलता जुलता जब क्वेश्चन आएगा तो शायद आप V1 V2 ना ही लगाएं, आपको याद हो जाएगा कि ये दो कैपेसिटर्स पैरल में हैं और बाकी को हमने छेड़ा नहीं। हाँ, अगर फंस जाएं तो इसलिए साथ साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फंस जाएं तो कैसे बाहर निकल लें, V1 V2 चेक कर करके। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाएँ और कहें भैया मोबाइल चेक करना, ठीक रिपेयर कर दो, TV रिपेयर कर दो, तो वो ना पूरा दिन वो वोल्ट मीटर लेके बैठा होता है, वो ना कुछ नहीं करता, वो वही चेक, दो पॉइंट इधर लगा लिया, दो इधर, वो चेक करता रहता क्या हो रहा है। सोचो एक वायर के क्रॉस उसने दो पॉइंट लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, और डिजिटल मीटर है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करता है, तो उसके अंदर मान लो वोल्टेज आई जीरो, कुछ आया ही नहीं, इसका मतलब दो पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, इसका मतलब बोथ पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। और अगर वहाँ रीडिंग आ जाए 10 वोल्ट, इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ये हम V1 V2 वही तो कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा मशीन है जो चेक कर रही है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, वो मशीन तो चेक कर देगी V एंड V बराबर है, मैं कहाँ से चेक करूँगा, मैं तो जंक्शन पे V1 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 V2 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 करता जा रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो वो बंदा करता है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे पोटेंशियल्स काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर लगाओ, ये लो इसके ऊपर लगाना, ज़रा खुद एक बार ट्राई करना, बिना देखे करना प्लीज़। बता पा रहे हो सीरीज पैरेलल, सीरीज में तो कुछ नहीं है, खैर बता पा रहे हो पैरेलल में है कि नहीं। अब लग जिनको लगता है उनको ऐसा लगेगा, ये लगाऊं पैरेलल में, नहीं नहीं पता नहीं, अच्छा चलो ये लगाऊं पैरेलल में, नहीं मुझे पता नहीं, अच्छा ये लगाऊं पैरेलल में, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिनको लग रहा है उनके पास लॉजिक ही नहीं है। तो लगाओ जंक्शन पे V1 V2 का कॉन्सेप्ट, और कोई तरीका ही नहीं है, जब फंस ही जाएंगे फिर तो V1 V2 वाला काम ही करेंगे। तो चेक करो हिट एंड ट्रायल से कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। हाँ जी, कितनों को पता लग गया पैरल सीरीज पता लग रहा है, ठीक है। इधर देखें, देखो मैंने क्या किया, इस जंक्शन को मान लिया VA, V1 जो मर्जी मान लो VA, तो ये जो प्लेट है V1 VA पे हो गई, इधर से ये जंक्शन भी VA पे हो गया, ये VA पे हो गया, तो ये भी VA और ये भी VA हो गया, क्योंकि वायर के बीच में कुछ था नहीं, तो यही VA इधर गया और इधर गया और ये इधर जा गया। तो एक नया जंक्शन है V1, ये V1 तो ये V1 तो ये V1 तो ये V1, ये जंक्शन VB तो ये VB और ये VB। अब चेक करें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस VA, तो ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और जबकि इनमें कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं सेम है, तो पता लग गया कि ये दो कैपेसिटर उठाने हैं। देख लिया आप,
आप लगने से तो कुछ कर नहीं पा रहे, कैसे चेक कर रहे हैं पोटेंशियल से, समझ में आ रहे हैं? फिर से ये VA, 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 ये V1, 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 ये VB, VB and VB, तो V1 minus VB, नहीं VA minus V1, VA minus V1, पैरेलल पोटेंशियल सेम हो गए, बाकियों में कुछ सेम है ही नहीं, तो ये पकड़ में आ गए, ये पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है, बाकियों को बिल्कुल मत छेड़ो, ना इसको छेड़ो, ना इसको, ना वन ना टू, ना वन ना टू, इन दो की जगह एक लगा दो, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो वन और वन पैरेलल में, आंसर क्या आएगा, टू, बाकी एज इट इज। तो डायग्राम इजी हो गया। अब टू और वन किस में, सीरीज में, तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू बाई थ्री, और नीचे क्या है, टू, ये टू बाई थ्री एंड टू किस में, पैरेलल में, तो ऐड कर दो आंसर, एट बाई थ्री। पहली चीज यही होती है कि ये पकड़ में लेके आना कि कौन पैरेलल में, कौन कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में, बस यही देखना होता है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है इसमें? ठीक, प्रैक्टिस से आएगा, एक बार में नहीं आएगा, मैंने बताया आपको, आज का काम मेरा ही काम ज़्यादा है, तो मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम में कैसे आपको टेस्ट करना है। ठीक है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आठ, चार, तीन और छः और बारह वोल्ट आपको ए और बी दो पॉइंट दे रहा है। प्लीज़ ये जंक्शन नहीं है। कोई कहता कैसे पता जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन कैसे होगा, एक सिंगल तार तो जा रही है। जंक्शन होता है दो तारों का, कम से कम दो तारें इंटरसेक्ट तो करें तो आएगा जंक्शन, सिंगल तार का क्या जंक्शन है। तो ए कोई जंक्शन नहीं है, ए तो उसके ऊपर कोई भी इमेजिनरी पॉइंट है, तो बी एक पॉइंट है। आपको इस डायग्राम में वी ए और वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। देखो ये क्वेश्चन नहीं कर रखा हो तो बड़ा मुश्किल है करना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि तार के बीच में कोई पोटेंशियल पॉइंट ले लिए हैं और उनका पोटेंशियल निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूँगा, आपको जो पसंद है वो आप यूज़ करना अपने आने वाले क्वेश्चन में, पर तरीके दोनों ही आने चाहिए मेरे हिसाब से। पता नहीं यार आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चन आपको हैंडल करने को मिलेगा, तो आप कौन सी टेक्निक कब लगाओगे ये मालूम नहीं है, तो दोनों इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। तो मैं नया डायग्राम, ये तो मैंने शॉर्टकट मारा हुआ है, पहले एक्चुअल मेथड बताता हूँ जो आपके माइंड में आएगा। आपके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो आप सोच भी नहीं सकोगे, अभी जब बताऊँगा तभी सोच पाओगे। तो इसमें आठ, चार, तीन और छः, ठीक है, आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है आठ, चार, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर, दो कैपेसिटर्स और है ये रहा, और एक बैटरी भी कनेक्टेड है। ये बैटरी कितने वोल्ट की कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की कनेक्टेड है। वैल्यू बोलना कितनी है, 8 माइक्रो फेरेड है, और नेक्स्ट ये लो, ठीक है। और मेरे को दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, कोई डाउट इसमें? अब इसमें काम करते हैं, आप इसमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलें कितनी होगी। आठ और चार किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो बोलो क्या आंसर आएगा सीरीज में। तो एक काम करते हैं, इन दो कैपेसिटर्स की जगह एक कैपेसिटर लगाते हैं कुछ ऐसे, ये लो आठ और चार, एट इंटू फोर, एट प्लस फोर, 32 डिवाइडेड बाय 12, ठीक, तो कितना आएगा, 8/3, ठीक हो गया था। नेक्स्ट है तीन और छः, तो सिक्स, थ्री, सिक्स, थ्री, 18, नाइन, टू, तो टू माइक्रो फेरेड, 12 वोल्ट की बैटरी है, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप मुझे ये बताओ, इसके अंदर ये 12 वोल्ट है और ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में V की वैल्यू रिमेंस सेम, ये भी सही है यहाँ तक। आप मुझे ये बताओ कि इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, बोलो चार्ज, चार्ज होगा Q इज इक्वल टू सी वी, तो C पता है, V पता है, तो 8/3 इंटू 12 कितना आ गया, 4, कितना, 32 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, C इंटू वी 20, 4
4 माइक्रो कूलम, कोई डाउट इसमें? तो क्योंकि ये कैपेसिटर पे चार्ज 32 है और ये कैपेसिटर दोनों का बना हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसके ऊपर भी क्या होगा 32 माइक्रो कूलम और 32 माइक्रो कूलम, कोई डाउट इसमें? और क्योंकि ये कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 24 है तो 24 माइक्रो कूलम एंड 24 माइक्रो कूलम, ये मैंने क्या निकाल दिया इनके ऊपर चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी सेम। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैं इमेजिन कर लेता हूं ये एक कोई भी जंक्शन है, सी पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट है, ठीक। सी पॉइंट अगर यहां पर पोटेंशियल वीसी है, वीसी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी वीसी है, अगर यहां का पोटेंशियल वीए है तो इस प्लेट का पोटेंशियल वीए, यहां का पोटेंशियल वीसी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल वीसी है, यहां का पोटेंशियल अगर वीबी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल वीबी है, मानते हो है ना, वीबी का वीबी, वीसी का वीसी, वीसी का वीसी कर लिया। अब ये बताओ कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वीसी माइनस वीए, इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? आपको इसमें सी पता है, आपको इसमें क्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है? क्यू डिवाइडेड बाय सी, तो क्यू की वैल्यू कितनी है इसमें 32 और सी कितना है 8, कितना आ गया 4 वोल्ट। तो यानी कि VC माइनस VA कितने वोल्ट आ गया 4 वोल्ट। इसमें C की वैल्यू कितनी है और Q की वैल्यू पता है, तो क्या आएगा 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 वोल्ट। यानी कि VC माइनस VB की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट, सही? घूम गए फिर से, यहां पे चार्ज आ गया था, ये कैपेसिटर इन दोनों का बना हुआ है, चार्ज सेम रहेगा 32 32, यहां चार्ज आ गया 24, चार्ज इन पे 24 24। फिर मैंने कहा कि मान लो ये VA है तो ये VA, ये VC है तो ये VC है, ये VC है तो ये VC है, ये VB है तो ये VB है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VC माइनस VC, इस Q बाय C, Q पता है C पता है तो V आ गया 4 वोल्ट, इसका Q पता है C पता है तो V आ गया 8 वोल्ट। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर लूं, माइनस प्लस एंड माइनस कट गया, तो यहां से VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस 4 वोल्ट, या उल्टा VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। दिस इज द आंसर, ये निकालना था। ये एक टेक्निक है जो कि आपको इस क्वेश्चन को हेल्प करती है सॉल्व करने में, चेक कर लो आप। तो मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन कल को कहीं दिखे तो आपको आइडिया हो गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आएगा यार मैं कैसे करूँगा, यार मेरे को क्या सपने आ रहे हैं कि वी सी वी वी फिर चार्ज निकलेगा। देखो, ये प्रैक्टिस है, तो आपको अपने आप सब ठीक लगेगा कुछ दिनों के बाद, जब बार बार यही क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे आप नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ आप अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक, बस आप सीखते जाएँ, फिर अप्लाई करने की बारी आएगी। एक हफ्ता आपने कुछ नहीं करना, एक हफ्ता यही कुछ करना है, आप भूल जाएं कि आगे कैपेसिटर चलने वाला है। 100 क्वेश्चन कम से कम, कम बोल रहा हूँ, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों में ये करना है रोज, तो क्यों नहीं आएगा यार? 100 में से एक क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन तो कर ही देंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस दूर से आप बता देंगे कि सी इज़ पैरेलल, लेकिन कोई बुक ऐसे भी करती है, ये ज़बरदस्त है, वो कहती है इतना झमेले में पढ़ने का ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेगी। देखो, टेक्निक है वो, लंबा तरीका तो आपके साथ हमेशा रहेगा रहेगा, एक छोटा तरीका है, वो कहते हैं एक काम करो, ये वी है, ये वी भी ले लो, ये बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट की है,
इमेजिन कर लो बड़े वाला टर्मिनल 12 वोल्ट है और छोटे वाला जीरो कर लो ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस जीरो 12 है। अगर ये 12 है तो ये वाला टर्मिनल भी 12 है, अगर ये जीरो है तो ये टर्मिनल भी जीरो है। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब टेक्निक ये कहती है क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्योंकि ये 12 वोल्ट है, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, तो यहां पोटेंशियल बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है, तो इधर के पोटेंशियल मतलब 12 वोल्ट VA से बड़ा होगा, VA 0 से बड़ा होगा, दिख रहा है वो। तो इसमें चार्ज बोलो क्या आएगा, इसमें चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁶, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसमें कितना है 12 माइनस VA, ये देखो 12 माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस क्या है, यहां 12 है यहां VA, तो 12 माइनस VA, ये समझ में आ रहा है, चार्ज आ गया। तो इसमें चार्ज की वैल्यू कैसे निकाल ली, जो भी कैपेसिटेंस है Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला है, C पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज आ गया। चलो फिर से एक बार चार्ज निकाल लो इसमें, क्योंकि इसमें इसमें चार्ज एग्जैक्टली क्या आएगा सेम, इसमें चार्ज क्या आएगा 4 × 10⁻⁶ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है VA माइनस जीरो, VA माइनस जीरो, कोई डाउट इसमें, एक लाइन में सॉल्व करो VA आ गया, चेक कर लो VA एक मिनट में आ गया, इक्वेशन सॉल्व करके देख लो VA आ गया। फिर देखो VB निकाल लो, ये देखो VB कैसे निकलेगा, इसमें और इसमें चार्ज बराबर है, इसमें चार्ज क्या होगा 3 × 10⁻⁶ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 माइनस VB, इसमें कैपेसिटेंस क्या है 6, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VB माइनस 0, एक मिनट में VB आ गया। और यार जब VA आ गया VB आ गया दोनों को माइनस करके VA माइनस VB कैन बी कैलकुलेटेड, आई थिंक ये ज्यादा सही है। देखो ये अब डॉक्टर कौन सा ऑपरेशन करेगा, देखो उसकी डॉक्टरी की एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसको अगर 100 ऑपरेशन कर रखे हैं वो एक ठीक कर ही देगा, तो तुमने टेक्निक एक सीख रखी है तो क्या करोगे, वही टेक्निक लगाते रहोगे, 8 घंटे ऑपरेशन लेके बैठे रहोगे, तो सेम ही तो है। तो अगर आपने टेक्निक सीख ली, आपको पता है कल को ये क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अब मेरे को कोई क्वेश्चन ये सेम आएगा मैं ऐसे ही करूँगा, मैं क्यों करूँगा वैसे, हाँ मैं भूल गया तो फिर मैं वैसे कर दूँगा और क्या करूँगा। तो टेक्निक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, कब कौन सी लगेगी मालूम नहीं मुझे, बट समझ में आ रहा है यहाँ तक, आई होप ये ज़्यादा बेटर है। चार्ज बराबर कर दो, चार्ज बराबर कर दो, VA VB निकाल के माइनस कर दो आंसर। और सिर्फ यही नहीं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस टेक्निक से सॉल्व हो जाते हैं, जब बैटरी को 12 और इसको जीरो ले लिया जाता है तो बहुत चीज़ें सॉल्व होती हैं इससे। चलो ये एक्सपीरियंस से पता लगेगा। अब कोई कहे मेरे को सर ना ट्राई करने को दे नहीं रहे थे, मेरे को भी देना चाहिए था उनको, मैं भी करता ट्राई, तुम लेके बैठे रहो इसे छुट्टी हो जाएगी और तुमसे सॉल्व ना होगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, जब तक मैं बताऊंगा नहीं, आज का लेक्चर ऐसी टेक्निक्स पे बेस्ड है, जब तक मैं नहीं बताऊंगा ना आपसे सॉल्व होने वाला है नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक तोड़ है, दूसरे क्वेश्चन का अलग तोड़ है, तीसरे का अलग तोड़ है, चौथे का अलग तोड़ है। आप कहोगे जी अगर 100 क्वेश्चन तो 100 तोड़ है, ना इतने भी नहीं है, 8-10 ही हैं। वो 8-10 की टेक्निक सिखा रहा हूँ आज और अगले लेक्चर में, वह दो लेक्चर के ऊपर अगले 10 दिन इसकी प्रैक्टिस ही चलनी है। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन देखने में कैसा है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, आप देखो तो सही डायग्राम कैसा है, सी वन है सी टू है सी थ्री है सी फोर है सी फाइव है, सीरीज तो कहीं दिख ही नहीं रहे और गारंटी है नहीं कि पैरल में होंगे कि नहीं होंगे। तो पैरल की गारंटी के लिए फिर मैंने भी शुरू किया, मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं इस पॉइंट को VA ले लेते हैं, चलो शायद कुछ मिल जाए, तो आप भी तो ऐसा करते, ये VA ले लेते हैं, ये VA तो ये VA, ये VA तो ये VA, फिर मैंने कहा चलो इस जंक्शन को VB ले लेते हैं, ये VB तो ये VB, ये VB तो ये VB, फिर इसको VD ले लेते हैं, अगर ये VD तो ये VD तो ये VD, इसको VC ले लेते हैं, ये VC तो ये VC, और यार इतने में तो क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा मैं, कोई भी छोड़ देगा कि इतने झंझट में कौन पड़ेगा, छोड़ यार आगे चलते हैं, मिल ही नहीं रहा क्योंकि इतने वेरिएबल इकट्ठे हो चुके हैं कि अगर मैं देखूं VA माइनस VB, VA माइनस VD, VD माइनस VB, VB माइनस VC, VD माइनस VC, कुछ मैच ही नहीं, सब डिफरेंट है। ठीक है यहाँ तक, तो इसमें से ना कोई तुम्हें सीरीज में दिखेगा और ना कोई तुम्हें पैरल में दिखेगा, मैं बोल रहा था लेके बैठे रहोगे तब भी कुछ नहीं होगा,
अब इसका तोड़ ही अलग है, तुम सोच भी नहीं सकते कि कहां से तोड़ा आएगा इसका। देखें तो इस डायग्राम को रीड्रॉ किया गया। रीड्रॉ समझो कैसे किया। रीड्रॉ ऐसे किया कि सबसे पहले ये देखते जाओ मैं क्या रीड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के साथ ये वायर कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है। जहां कनेक्टेड है वहां का पोटेंशियल वी ए है, जहां कनेक्टेड है वहां का पोटेंशियल वी ए। फिर उसके बाद वी ए और वी डी के बीच में एक कैपेसिटर है C4। वी ए और वी डी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है C4। फिर वी ए और वी बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C1। वी ए और वी बी के बीच में कनेक्टेड है कितना C1। फिर बी और डी के बीच में कनेक्टेड है C3। बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है C3। फिर बी और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है C2। बी और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है C2। और लास्ट बी और सी के बीच में C2 हो गया, डी और सी के बीच में C5। तो देखो डी और सी के बीच में C5। तो कहने का मतलब रीड्रॉ करके हमने क्वेश्चन रीड्रॉ किया। कैसे? इस डायग्राम को रीड्रॉ करके हमने ऐसे बना लिया। और स्टूडेंट देखो वो सोचता है यार मेरे और कितने नंबर का आएगा, एक नंबर का। एक नंबर के पीछे इतना मैं वी ए वी बी वी सी वी डी वी इतने वेरिएबल बना बना के पहले रीड्रॉ करूं और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, बिल्कुल भी नहीं आपको करना। ये वी ए वी बी का काम आपका नहीं है, वो मेरा काम है बताने के लिए सिर्फ कि देखो मेरे से पैरल में निकला नहीं। आपको कोई वी ए वी बी नहीं बनाकर बनाना, कुछ नहीं बनाना। फिर आप सोचेंगे सर रीड्रॉ करने, देखो रीड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन रीड्रॉ करने का तरीका मैं आपको याद कराता हूं, आप ये तरीका अपनाओ। अगर आपको ऐसे पांच कैपेसिटर्स इस कॉम्बिनेशन में दिख जाएं ऐसे डायग्राम में, अब ये ध्यान से देखना, ये काम की चीज है। नंबरिंग नहीं भूलना। नंबरिंग कैसे? C1 C3 C5 1 3 5, नंबरिंग याद हो रही है? ऑड मल्टी ऑड 1 3 5। ऊपर वाला C4, नीचे वाला C2, याद होगी नंबरिंग? जब रोम्बस में ये फिट होंगे तो ऐसे फिट होंगे 1 3 5। वो देखो 1 3 5, 1 3 5, C1 C3 C5, C1 C3 C5। तीन लगा लोगे यहां फिट हो जाएंगे, तीन तीन के पोजीशन पता लग गई। तो अगर आज के बाद ऐसा डायग्राम आएगा तो 1 2 और 3 कैपेसिटर्स को ऐसे ऐसे और ऐसे फिट कर देना है। तो आप वी ए वी बी करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट टेक्निक समझो, जो C4 है वो ऊपर है, C2 नीचे है। इस डायग्राम में C2 ऊपर हो जाएगा, C4 नीचे, C2 C4। तो C1 C3 C5, जो कैपेसिटर ऊपर है वो आएगा नीचे और जो यहां पे नीचे है वो आएगा ऊपर। तो बन गया डायग्राम, ना कोई वी ए ना कोई वी बी ना कोई सी सी। तो अगर आप मुझे दोगे कि सर जरा बनाना इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, तुम्हें क्या लगता है मैं बैठ के वी ए वी बी वी सी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे को नंबरिंग याद है, नंबरिंग है 1 3 5, तो मैं उठा के करूंगा 1 3 5। फिर मैं करूंगा ऊपर वाला कैपेसिटर नीचे, नीचे वाला ऊपर, बात ही खत्म हो गई। चलो मेरे ख्याल से डायग्राम रीड्रॉ करना आ गया, विदाउट V1 V2 V3 करना फिट कर देंगे। अब एक चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में यह सिखाया जाता है कि अगर आपको रेजिस्टेंसेस इस रोम्बस की फॉर्म में गिवन है ना, रोम्बस है 1 2 3 4 और ये पांचवी रेजिस्टेंस बीच में लगी हुई है, और ये सिखाया जाता है कि अगर ये रेशियो 2/4 3/6 के इक्वल हो, मतलब अगर इसकी रेशियो रेजिस्टर की और इसकी रेशियो रेजिस्टर की बराबर हो, जो कि मुझे बराबर दिख रही है, तो ए और बी सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। ये हम करेंगे, प्रूफ भी करेंगे इसका। और अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसमें कोई करंट नहीं दौड़ेगा, तो इस रेजिस्टर को उठा के फेंक दो, नहीं चाहिए। लेकिन कब? जब ये रोम्बस बनेगा और ये रेशियो बराबर होंगी तो इस रेजिस्टेंस को उठा के फेंक दो। सेम रूल कैपेसिटर के अंदर भी लगता है। अगर रोम्बस की फॉर्म में कैपेसिटर्स हैं और बीच में एक और कैपेसिटर है, तो अगर ये रेशियो बराबर है C1:C2 C4:C5 अगर बराबर है तो इसको उठा के फेंक दो, नहीं चाहिए।
और जब मैंने वैल्यूज चेक की अपने क्वेश्चन में तो सभी वैल्यूज 10-10 माइक्रोफेरेड की थी और मैंने देखा कि ये रेशियो बराबर है, तो इसको उठा के फेंक दो, चाहिए ही नहीं। C5 उड़ गया तो आपके पास ये डायग्राम बच गया बस, और ये डायग्राम आपको सॉल्व करना आता है। ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। जो आंसर आएगा किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में आंसर। ये तोड़ा है इसका। अब आप ये कहेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं एक नंबर में? आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, ऐसे वैल्यू के साथ गिवन होगा आपको, आपको C1 C2 थोड़ा गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी। आप मन में सोचेंगे जो आपने आज एक्चुअल क्वेश्चन किया, ये C1 था, ये C3 था, ये C4 था, ये C1 C3 C5 C4 और C2 मन में मार्क कर लेंगे। अब आपको पता है कि इसकी 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 पोजीशनिंग ये तीनों ऐसे बनेंगी, फिट कर दिया। जो ऊपर का कैपेसिटर 5 है वो नीचे आएगा और नीचे वाला कैपेसिटर ऊपर आएगा, वो अलग बात है, दोनों 5-5 ही हैं, सही है। ये रोम्बस में फिट करना आ गया सबको। अब चेक करें रेशियो, बताओ 5/5 इज इक्वल टू 5/5 तो ट्रू है, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस का मतलब रेशियो बैलेंस्ड है, तो आप बीच के कैपेसिटर को उठा के बाहर फेंकने चाहिए ही नहीं, तो नहीं चाहिए, तो ये बन गया। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। और आंसर किस में कनेक्टेड है? आपस में पैरेलल में आंसर आएगा 5/2। मेथड समझ में आ रहा है? अब अगर ये कर ना रखा हो, देखो एक्चुअल मेथड तो बहुत लंबा है 1 टाइम सुनने में, लेकिन शॉर्टकट बड़ा आसान है, कुछ नहीं कर रहा, रोम्बस में फिट करके रेशियो चेक करके बीच का कैपेसिटर उड़ेगा उड़ेगा, आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वो कहता है दो कैपेसिटर लगाएंगे नहीं ऊपर नीचे वाले, अब क्या बनेगा डायग्राम? डायग्राम अब क्या बनेगा? C1, C3, C5 है बस, C1 है, C3, C5 बस, ये तो दो है ही नहीं। अब अगर ये दो नहीं है तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका, इमेजिन करो ये VX है तो ये भी VX है, ये VY है तो VY है, ये VY है तो VY है, ये VX है तो VX है, ये VX है, VX है, VX है, VY है, VY है, VY है, VY है। तो आप चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy एंड Vx माइनस Vy, तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। तो आज के बाद आपको Vx Vy थोड़ा लेना है, आपको तो याद हो गया कि अगर ये दो कैपेसिटर नहीं हैं और अकेले ये तीन लगे हुए हैं तो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, डन, ऐड कर दो, डन। बस एक या 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया आज के बाद तो ये भी नहीं करना किसको दिखाना है करके ऑब्जेक्टिव में कि मैंने ऐसे किया था, रोम्बस बनाया था, सीधा ही याद कर लो ये तीनों किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल, क्लोज, ऐड कर देना आंसर, ऐसे होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो समझ में आ रहा है? तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको कहेगा बताओ इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या, आप बोलो पैरेलल टर्न। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है आंसर देना है? ठीक है, लो नई टेक्निक की क्वेश्चन है। कोई कहे जी अब मैं कर लूँगा, अब सर मेरे को शीट दे दो, हाँ तो ले लो, कर लो, इनफाइनाइट कैपेसिटर हैं, बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, मुझे खुद नहीं पता कितने हैं, मुझे खुद ही नहीं पता कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनफाइनाइट है। अब इसका आंसर इसका तोड़ क्या निकालोगे? के टीचर ने आपको ये करवाया होगा ऐसा कभी ना कभी क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या है, √2 + √2 + √2 + √2 टिल इंफिनिटी, ये करवाया होगा, इसका आंसर क्या है? ठीक,
ठीक है, तो कैसे करना है? मैथ वाले टीचर कहते हैं कि चलो सपोज कर लो टोटल आंसर इसका क्या है, एक्स। ठीक, मतलब कोई कहे मेरे पास दो रुपये इनफाइनाइट 2 रुपीज़ है, तो कितने पैसे हैं मुझे खुद नहीं पता कितने पैसे हैं, मान लो एक्स। और अगर मेरे 2 रुपये गिर भी जाते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा बाकी आंसर भी क्या रहेगा, एक्स। क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही है। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर टोटल आंसर एक्स है और मैं एक रिपीटिंग पैटर्न को छोड़ दूं तो बचा हुआ आंसर भी क्या रहेगा, एक्स। फिर आप इसे स्क्वेयरिंग कर लेना, स्क्वेयरिंग करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डन हो गया। ऐसे करते हैं सॉल्व, क्वाड्रेटिक बनती है। अब ये सेम रूल कैपेसिटर में लग गया, कैपेसिटर में कुछ रिपीटिंग पैटर्न है। रिपीटिंग पैटर्न क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मान लें कि इस पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या आता है, सी। चलो अगर मैं इन दोनों को छोड़ भी देता हूँ, इसे छोड़ भी देता हूँ और इन्हें सॉल्व करता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा, सी। पॉइंट क्लियर है, तो भी आंसर क्या आएगा, सी। क्योंकि एक पैटर्न छूट भी गया तो भी इन्फिनिटी का आंसर तो इन्फिनिटी ही रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो मैंने ए और बी के साथ एक और दो का रिपीटिंग पैटर्न छोड़ दिया, पहला छोड़ दो, रिपीटिंग पैटर्न एक छोड़ दो। तो पीछे से सॉल्व करते हुए इमेजिन करो मेरा आंसर क्या आता है, सी। तो मैंने इनफाइनाइट का आंसर क्या लिख दिया, सी। अब अगर मैं इन्हें भी सॉल्व कर लूं तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर वापस से क्या आएगा, सी। क्योंकि एक पैटर्न मिलाओ या ना मिलाओ आंसर सी का सी रहेगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे पैटर्न को सॉल्व करके इमेजिन कर लिया, 1 और 2 को छोड़ के सी। अब 2 और C किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा, 2 × C / 2+C। और ये 1 के साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन रिजल्टेंट आंसर को फिर से मार्क कर देंगे सी, क्योंकि एक पैटर्न छोड़ भी दिया और एक पैटर्न मिला भी दिया, मिलाने पे भी इक्विवेलेंट आंसर क्या आना चाहिए, सी। अब इसकी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करके 2 आंसर आएंगे, नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव आंसर मार्क कर देना। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब्जेक्टिव आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपने, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, फिर से मान लो रिपीटिंग पैटर्न्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आप पहला रिपीटिंग पैटर्न छोड़ दो, मान लो पूरे का आंसर सी, छोड़ के भी आंसर सी, इमेजिन कर लो इस पूरे की जगह क्या लगा दिया, सी। तो डायग्राम ये बन गया सी। अब सी और टू किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, आंसर जो आएगा 1 के साथ पैरेलल में, और फाइनल आंसर भी क्या आएगा, सी। क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो ये टेक्निक है इस क्वेश्चन का, जो तोड़ है वो ये है। कैपेसिटर की प्रॉब्लम ये है कि हर क्वेश्चन का एक नया तोड़ निकलेगा इसमें, ठीक है, 10-12 तोड़ तो निकलेंगे, ताकि उसके बाद फिर बाकी रिपीटिंग वही चीज़ों, वही कॉन्सेप्ट जो है बार बार यूज होते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है।